हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक नए बाथरूम में वाटरप्रूफिंग हमें करना क्यों ज़रूरी होता है, वाटरप्रूफिंग हमें कब करना चाहिए, वाटरप्रूफिंग हमें क्यों करना चाहिए और वाटरप्रूफिंग करने का सही तरीका कौन सा होता है और वाटरप्रूफिंग करने में कॉस्ट हमें यानी कि खर्च कितना आता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके फायदे का कंटेंट मिलता है, वो भी 100% फ्री। 2 जनवरी के दिन से हमारा नया वीडियो स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है Q&A। अगर आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं या अपना नाम वीडियो में शामिल करवाना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा #AskEJ और उसके बाद में लिखना होगा आपकी सिटी का नाम कि मेरा वीडियो आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं। उसके बाद में क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा आपका सवाल या आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं वो सब कुछ लिखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं रेहान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो जंक्शन। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये बढ़िया वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि वाटर प्रूफिंग हमें बाथरूम की कब करना चाहिए। अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर पर टॉयलेट बाथरूम है तो क्या हमें उसकी भी वाटर प्रूफिंग करना चाहिए? तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो ग्राउंड पर टॉयलेट बाथरूम होता है उसकी वाटर प्रूफिंग हमें ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन अगर सेकंड फ्लोर पर या थर्ड फ्लोर पर, फोर्थ फ्लोर पर, फिफ्थ फ्लोर पर, सिक्स फ्लोर पर, इससे ऊपर कहीं भी है तो उसकी वाटर प्रूफिंग 100% आपको करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा या जो भी उसमें रहेंगे उसमें उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि वाटर प्रूफिंग हमें क्यों करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो 100% चांसेस है उसके या 99% चांसेस है उसके कि वो कभी ना कभी लीकेज ज़रूर होगा, यानी कि जो हमारा टॉयलेट बाथरूम का टाइल्स के अंदर से पानी जो उसमें पछता है वहाँ पर, यानी कि पानी रुकता है वहाँ पर, वो दीवारों के ज़रिए यानी कि दीवारों में से होकर नीचे पानी टपकने लगता है या नीचे लीकेज होने लगता है। वहाँ पर जो एरिया में जो जगह रहेगी वो वेस्ट हो जाएंगी, यानी कि वहाँ पर हम उसे कुछ भी यूज़ में नहीं ले सकते उस जगह को, और उसमें आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। लीकेज होने के ज़रिए वहाँ पर दीवारें कमज़ोर हो जाती है, यानी कि जो ईंटें होती है वो भी उसका उसमें पानी मुड़ जाता है, उसमें पानी की वजह से वो ईंटें ख़राब हो जाती है और वो दीवारें कमज़ोर हो जाती है। अगर आपको बाथरूम के लीकेज से बचना है तो आपको 100% वाटर प्रूफिंग करवाना ही चाहिए। थोड़ा सा उसका कॉस्ट आता है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें पैसे लगते नहीं है, लेकिन आपको टॉयलेट बाथरूम की वाटर प्रूफिंग हमेशा करवाना ही चाहिए। तो अब बात करते हैं कि वाटर प्रूफिंग करने का सही तरीका कौन सा होता है। तो देखिए, जब हमारा लेटरिन बाथरूम या टॉयलेट बाथरूम वहाँ पर बन के रेडी हो जाता है, पूरा उसका प्लास्टर वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद में हमें क्या करना है कि उसमें जो हमारा प्लम्बिंग का काम स्टार्ट होता है, यानी कि हमारे जो झरी वरी का जो भी काम स्टार्ट होता है वो हमें नहीं करना है। उससे पहले हमें एक बार वाटर प्रूफिंग करवा लेना है, वाटर प्रूफिंग वाले को वहाँ पर बुलाकर वो उस जगह को बताकर उनसे कहना है कि पहले यहाँ पर आपको वाटर प्रूफिंग करना है, उसके बाद में प्लम्बिंग का काम वहाँ पर स्टार्ट करना है, यानी कि जो भी वहाँ पर झरी वगैरह रहेंगी वो सब कुछ स्टार्ट करना है। उसमें प्लम्बिंग के काम में जो 110 mm के जो पाइप होते हैं ये, या हमारा 75 mm का जो भी पाइप होता है उसके होल किए जाते हैं, तो उसके बाद में वाटर प्रूफिंग करने के बाद में वहां से होल करना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, और एक बार वहां पर वाटर प्रूफिंग वाले को बुलाना है और उनके हाथों से उस होल को, जो जितने भी हमने होल किए हैं उन होल को वहां पर उनके हाथों से पैक करवाना है। हमारे हाथों से वहां पर कुछ भी नहीं करना है, यानी कि हमें उसमें कुछ भी मटेरियल नहीं लगाना है, कॉन्क्रीट का हमें मटेरियल उसमें नहीं लगाना है, वो वाटर प्रूफिंग के वालों के हाथ से ही वो उसको करवाना है। लिक्विड के जरिए वो बहुत अच्छा कर देते हैं, उसमें 100% आपको गारंटी भी मिलती है कि वहां से कभी लीकेज नहीं होगा। उसमें पानी भर के भी वो चेक करते हैं और कई दिन तक उसमें पानी जमा रहता है, उसके बाद में हमें पता चल जाता है कि वहां पर लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में लिक्विड की वाटर प्रूफिंग होने के बाद में वहां पर आपको वाटर प्रूफिंग वालों को बोलना है कि उस जगह पर कोबा कर देना है, यानी कि परफेक्ट एक वाटर प्रूफिंग वहां पर कर देनी है। वो वाटर प्रूफिंग वाले बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं और वो चेक करके आपको बताते हैं, चाहे आप 1 महीना उसमें पानी भर के रखिए, चाहे 8 दिन भर के रखिए, वो पानी एक बूंद भी उसमें से लीकेज नहीं होता है, यानी कि आपके स्लैब के नीचे आपको वहाँ से टपकते कभी नहीं दिखेगा। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके कॉस्ट की, यानी कि इसका खर्च कितना आता है। तो हर जगह के रेट अलग अलग होते हैं, सभी एरिया के रेट अलग अलग होते हैं। तो आपको क्या करना है कि साइट पर वाटर प्रूफिंग वाले को बुलाना है, उनको बुलाकर बताना है कि इसका कॉस्ट, इसका खर्च कितना आएगा। वो आपको परफेक्ट तरह से बता देंगे कि वहाँ पर कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, वहाँ पर कौन सा लिक्विड यूज़ होगा और वहाँ पर आपको खर्च कितना आएगा। अगर 4x8 का टॉयलेट बाथरूम है तो हो सकता है अंदाज से 4 से 5 हज़ार रुपये उसका खर्च आता हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटे से वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होंगी, कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ समझने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, थैंक यू।